घटना कैथल में वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के ऑफिस में हुई, जहां दिन दहाड़े एक युवक हाथ में रिवॉल्वर लेकर ऑफिस में घुसा और ऑफिस मालिक पर रिवॉल्वर तानकर सारा कैश बैग में डालने के लिए कहा, परंतु वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर ऑफिस के मालिक की हिम्मत और बहादुरी के चलते आरोपी इस घटना को अंजाम देने में विफल हो गया। जैसे ही आरोपी ने रिवॉल्वर तानी, तुरंत ऑफिस मालिक ने रिवॉल्वर छीन ली और उसको दबोच लिया। आसपास के दुकानदार भी इस हिम्मत को देखकर उसके साथ हो लिए और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद आसपास के दुकानदारों में भय का माहौल बना हुआ है। जिस तरह से आए दिन प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक सवाल निशान उठ खड़ा रहा है। SHO जसवंत सिंह ने कहा कि आरोपी को पकड़ लिया है और हथियार बरामद कर लिया है, फिलहाल पूछताछ चल रही है, आगे कार्यवाही की जाएगी। कैथल से नवीन मल्होत्रा, आजाद TV न्यूज। वेपन और वगैरह जो भी थे वो सब मैंने इसके पास से खोस लिए थे, इसकी जो भी और वो पुलिस को सारी इसकी आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इसकी दुकान का जिसमें ये पार्टनर है, मालिक है, वो ID भी है इसकी, सारा बरामद करवा दिया पुलिस को। साइज के पास सर इसका पर्स भी गिर गया था वहीं पर, इसके पर्स में 700-800 रुपये थे और सारी ये आईडियाँ थी। ये कोई वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर है, उसके साथ दुकान करते हैं, व्यापारी हैं, दुकान के अंदर ये लड़का घुस गया, इसने अवैध कोई असला लिया हुआ कि इन्फॉर्मेशन मिली भी वहाँ झगड़ा हो रहा है, इस तरह का कोई मैटर था। पुलिस मौके पे पहुँची और पुलिस ने राउंड अप कर लिया उस आदमी को जिसने ये घटना करने की कोशिश करी है। बाकी कंप्लेनेंट करता अपनी कंप्लेंट दे रहे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज करके आगे आगामी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी।